चिल्ड्रेन, आज आप पेज नंबर 64 करेंगे, एडिशन बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। तो हम एडिशन फॉरवर्ड काउंटिंग के हेल्प से कैसे एडिशन करेंगे, तो देखिए यहाँ 8+7 है तो 8, उसके बाद 7 डिजिट तक आगे बढ़ के हम उसको डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। अब बार बार हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। 8 तो देखिए 7 कहाँ तक आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मीन्स 15 होगा। 8+7 15 होगा, कैसे, तो 8 के बाद देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 7 नंबर पे आ जाता है। तो इस तरह से आप आगे की काउंटिंग कैसे फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे एडिशन में, उस तरह से हम सीखेंगे। देखिए यहाँ 7+7=14, कैसे हुआ, तो 7 है। अब 7 के बाद हमें 7 डिजिट तक और आगे काउंटिंग करना है। तो देखिए काउंटिंग कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 डिजिट आगे बढ़ गए हम, तो हमारे पास आया 14। तो इस तरह से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो क्या पाया, 14 नंबर होगा। 7+7=14, 6+9=, कुछ व्हाट, तो 6 यहाँ आप लिखेंगे। अब 9 के तक हमें डिजिट आगे बढ़ाने, 6 के बाद क्या होता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके 15। ये कितने बॉक्सेस हैं यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमें 9 डिजिट तक आगे प्लस करना था, तो हमारे पास हुआ 15। तो 6 और 9 ऐड होके क्या होता है, 15। उस तरह 4 है तो 4 आप यहाँ लिखेंगे, 4 से आगे 7 नंबर तक हमें प्लस करना है 4 से। तो यहाँ आपका बॉक्सेस भी 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 4 के आफ्टर होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 4 and 7=11। इसी तरह से आप बाकी के नंबर्स को भी काउंट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय।